नमस्कार, मैं सुजला ग्रहरी, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। महाराजगंज नौतनवा तहसील अंतर्गत नौतनवा नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का एक मीटिंग हुआ संपन्न। आइए दिखाते हैं महाराजगंज से संवाददाता सूरज कुमार की यह रिपोर्ट। महाराजगंज नौतनवा तहसील अंतर्गत नौतनवा नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का एक मीटिंग संपन्न हुआ, जिसमें गोरखपुर मंडल प्रभारी पंकजमणि त्रिपाठी, नौतनवा तहसील अध्यक्ष मोहम्मद आतिक अंसारी, नौतनवा तहसील महामंत्री मुन्ना खां, नौतनवा नगर अध्यक्ष लाल बहादुर श्रीवास्तव, लक्ष्मीपुर ब्लॉक मंत्री सूरज कुमार, अमित जायसवाल, इनामुल हक एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के सभी पदाधिकारी, तहसील और ब्लॉक के सभी लोग उपस्थित रहे। सूरज कुमार, इस समय मैं मौजूद हूँ नौतनवा तहसील अंतर्गत नौतनवा नगर में, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की एक मीटिंग चल रही है। आइए हम जानते हैं मीटिंग में क्या क्या हो रहा है। हमारे बड़े भाई पंकज मणि जी हैं, इनसे जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का जो मीटिंग हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का मीटिंग ये है कि लोगों की समस्या सुनी जा रही है। हमारे कौन से कार्यकर्ता हैं, किसको क्या दिक्कत है, कौन से कार्यकर्ता हैं कि जो उनके क्षेत्र में दिक्कत है, उस दिक्कतों को आगे चल करके हम लोग सुधार करेंगे। और जो भी अधिकारी होंगे उनसे बैठ करके हम लोग बात करेंगे, जिस क्षेत्र के अधिकारी होंगे उनसे बैठ के बात करेंगे और उस चीज़ पे हम लोग कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार लोगों का मदद करती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोगों का मदद करने का काम करती है। नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का जो मीटिंग हो रहा है, इसके तहसील अध्यक्ष हैं, आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। बताइए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का ये जो आज मीटिंग हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये मीटिंग हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी और एक दूसरे से रूबरू भी होना था। अभी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जानते नहीं थे, तो मीटिंग होने के कारण लोग एक दूसरे से जाने और नगर की जो छोटी मोटी जो भी समस्या थी, अपने हम लोग पदाधिकारी बड़े लोग जो भी थे उनसे उनके सामने रखा गया है, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो मिलजुल के मानवाधिकार सुरक्षा संगठन उसको करेगी।